everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Today is the 12th of April or aaj hai Friday, so this is basically the weekend vlog. Ye wala vlog thoda sa hip and happening hoga because over the weekend a lot of things are happening. Kal hamare purane wale ghar ki taraf jo hai wo bhandara hai, माता जी का भंडारा, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो वो एक चीज है. उसके बाद कल और परसों इन द इवनिंग और इन द नाइट अराउंड समथिंग हम एक ग्रुप के पार्ट है, मी एंड सागर. तो दैट ग्रुप इज बेसिकली समथिंग दैट्स वेरी सिमिलर टू रोटरी क्लब्स जो चलते हैं, वैसा कुछ है. नॉट एग्जैक्टली द सेम बट समथिंग सिमिलर टू दैट. तो दे आर बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग अ क्रिकेट मैच, फैमिली क्रिकेट बेसिकली, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो फैमिली चैप्टर है GCI कोटा का. सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग फैमिली क्रिकेट, तो उसमें सागर इज गोइंग टू बी प्लेइंग. सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग. सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गो, बट येस ही इज प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग. एनी वे आई के नॉट प्ले, अगर मैं चाहती भी तो भी नहीं खेल पाती बिकॉज आई स्प्रेन माई लेग. परसों मैंने अपना लेग स्प्रेन किया, कल काफी दर्द था, आज भी थोड़ा चलने में दर्द हो रहा है. तो आई कैनॉट टेक द रिस्क कि मैं कल जो है एकदम से उतर जाऊँ और खेल लूँ. इवन दो आई इन्जॉय क्रिकेट अ लॉट, आई कैनॉट प्ले, सो दैट इज़ वन थिंग. तो ये वाला जो वीकेंड है वो काफ़ी हिप एंड हैपनिंग होगा. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड आज मैं काफ़ी लेट हो गई यार. आज पता है मेरा अलार्म ही नहीं बजा, वो तो अच्छा हुआ 8:15 के अराउंड सागर का कॉल आया कुछ काम के लिए, बिकॉज ही इज़ गॉन आउट ऑलरेडी. तो उनका कॉल आया इसलिए मैं उठ गई, क्योंकि कल रात में भी एक्चुअली सोने में लेट हो गया था. बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग ना, मेरा रूटीन ऐसा हो चुका है इस टाइम पे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ एंड देन मैं कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ, तो इस वजह से मुझे दिन में नींद भी नहीं आती है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि फिर मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ. तो मेरा लाइफ स्टाइल इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा हो रखा है. तो कल क्या है, कल इवन दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी एट अराउंड 11:30 हम लोग कुछ काम कर रहे थे, मैं और सागर बैठकर कुछ काम चल रहा था, तो इस वजह से जो है हम लोग लेट हो गए कल सोने में. जहाँ मैं जनरली अभी 11:30 बजे तक सो जाती हूँ, तो 1.5 घंटा लेट हो गया था, मुझे ऑलमोस्ट 1 बज गई थी सोते सोते. तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा वैसा सा स्केड्यूल हो गया और इसलिए जल्दी सुबह नींद नहीं खुली आज. आज 8:15 के आसपास नींद खुली, मैं फटाफट से उठी हूँ, फ्रेशन अप होके नहा धो के और फिर मैं अभी आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ. ऑल्सो अनदर अपडेट, पापा पहले हमारे साथ रह रहे थे, माई फादर, बट नाउ ही इज गॉन टू द हॉस्टल. बिकॉज अब क्या है, यहाँ पे बैचेस वगैरह आने वाले हैं एंड ऑल्सो क्योंकि वहाँ का मेंटेनेंस चल रहा है, तो ही इज लाइक यार अगर मैं वहाँ रुक के नहीं करवाऊंगा काम तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ही इज नाउ गोइंग टू स्टे देयर इन द हॉस्टल इटसेल्फ, तो वो एक चीज है. सो या लेट्स गो एंड गेट द लंच रेडी. अभी लंच में भी क्या बनेगा ये भी नहीं पता, तो अब नीचे जाके डिसाइड होगा कि क्या बनना है और क्या नहीं. सो लेट्स सी. Many, many minutes later. So it is 1 PM right now and I am back into my room. मुझे रूम में आए हुए अराउंड 40-45 मिनट्स हो गए हैं. खाने का क्या है, आज कद्दू और भिंडी की सब्जी बनी. तो कद्दू जो है वो भी मम्मी ने बनाया, भिंडी की सब्जी भी मम्मी ने बनाई. और जब वो दोनों बना रही थी उस टाइम पे मैंने लहसुन छीलने का काम कर लिया, बिकॉज वो भी एक टास्क था. तो मैंने सोचा कि यार फ्री बैठी हुई हूँ तो वही कर लेती हूँ, तो वो कर लिया मैंने. उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई. फिर क्या है, पालक की थोड़ी सी सब्जी, मतलब बेसिकली थोड़ी सी ग्रेवी रखी हुई थी पालक पनीर की, तो उसमें ना पनीर की कमी थी, तो फिर मैंने सागर से पनीर मंगवाया और उसमें पनीर डाल दिया. तो वो मेरा लंच हो जाएगा. और सागर के लिए कल रात की पनीर की भुर्जी रखी हुई थी तो उन्होंने वो खा लिया है. अभी वो गए हुए हैं हॉस्टल पापा के पास उनका लंच लेकर. तो वहाँ पे भी काम वगैरह मेंटेनेंस का तो चल ही रहा है, तो वो सारे उन सब चीज़ों के लिए गए हुए हैं वो वहाँ पे. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ इज़ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडिटिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग, जो मैं अभी ये वाला वीकेंड वाला व्लॉग है. बिकॉज मैं अगर मैं यू नो हैंड टू हैंड इसको एडिट करती रहूँगी बैठकर, तो इट्स गोइंग टू बी गुड. सो आई एम गोइंग टू एडिट दिस टाइम ऑन माई लैपटॉप एंड नॉट ऑन माई फ़ोन, क्योंकि फ़ोन में ना फिर कितनी बार वो एक्सपोर्ट होने में VN प्रॉब्लम करता है. VN इज़ बेसिकली द सॉफ्टवेयर जिस पे मैं एडिट करती हूँ ऑन माई फ़ोन. सो वो कभी कभार जो है एक्सपोर्ट के टाइम पे प्रॉब्लम करता है. तो आई एम थिंकिंग दैट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग लेट मी ट्राई कि मैं कितना जो है अपने लैपटॉप पे एडिट कर सकती हूँ, तो मैं वो करूँगी. थोड़ा रूम भी मैसी हो रहा था
तो उस रूम को भी थोड़ा सा मैंने सॉर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा मैस हो रहा था। ये भी भरी हुई थी, यहाँ पे भी एक जो है वो रखा हुआ था जिसपे कपड़े वगैरह रखे हुए थे बहुत सारे। तो अभी मैंने उनको जो है फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद मैं उनको अपने अलमीरा में जमाऊंगी। मेरा जो चेंज रूम है वो भी काफ़ी मैसी हो रहा है, बट दैट्स गोइंग टू टेक मी अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड अ लॉट ऑफ मूड टू स्टार्ट यू नो सॉर्टिंग थिंग्स आउट इन माई चेंजिंग रूम इज़ वेल। तो वो एक चीज़ है, बट यस नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एंड एडिट थोड़ा सा, एंड थोड़ी देर में आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। अभी 1 बज रहे हैं, करीबन 15-20 मिनट में आई हैव इट, क्योंकि आज क्या मैंने कॉफ़ी भी थोड़ा लेट पी थी, सो आई एम नॉट फीलिंग वेरी हंग्री एट द मोमेंट। सो लेट्स सी। सो आई वॉज एक्सप्लोरिंग हॉट स्टार एट द मोमेंट, मैंने लाइट ऑफ करके, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव दैट होम थिएटर वाला थिंग, इवन दो आई एम वॉचिंग ऑन माई लैपटॉप एंड नॉट ऑन माई टीवी। मैंने हॉट स्टार खोला एंड आई स्टार्टेड सीन की क्या देख सकती हूँ मैं, बिकॉज आई हैवेंट वॉच्ड एनीथिंग ऑन हॉटस्टार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ग्रेज एनाटॉमी का सीजन 20 रिलीज हो गया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट वॉचिंग दैट। ओ माई गुडनेस, फाइनली फाइनली। अ फ्यू आवर्स लेटर, 6:25 right now of the evening, and I just woke up from a nap. It was almost a 1.5 hour nap. Suddenly, आज out of nowhere, just मतलब मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं by the way. Also, suddenly out of nowhere, 4-ish around जो है मुझे नींद आने लग गई, and around 4:30-ish I slept off. Probably because मैंने अपने sprained leg पे वो वॉलनी स्प्रे किया था, तो शायद हो सकता है उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से मुझे नींद आने लग गई। आई डोंट नो वॉट वॉज द रीज़न, बट टुडे आई स्लेप्ट ऑफ, इवन दो इट वॉज अ वेरी ब्रेकिंग वाला स्लीप की ऑन एंड ऑफ नींद आ रही थी, बट येस आई डिड स्लीप ऑफ एंड आई जस्ट वोक अप अराउंड 6 o'clock इश समथिंग। ऑल्सो दिस साउंड चू चू यू कैन हियर, ओरियो इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड विथ हिज बॉल। एनीवे सो अब बस नीचे जाना है और डिनर बनाना है। अभी नहीं पता डिनर में क्या बनेगा। मैंने जो पनीर खाया था वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया है कि मुझे अभी भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर ज़्यादा भूख लगी तो फ्रूट्स खा लूँगी, वाटरमेलन रखा हुआ है तो उसको अभी मैं काट के फ्रिज में रख दूँगी, सो दैट थोड़ी देर में वो ठंडा और एडिबल हो जाए। बाकी सबके लिए देखते हैं, अभी नीचे जाके डिसाइड करेंगे क्या बनाना है। 3 hours later, रात के 9 बज रहे हैं और मैं और सागर निकले हुए हैं स्टैंड पे। हम लोग क्या है, कल जो हमारे घर पे पूजा हो रही है तो हम लोग कल पूजा में बैठेंगे, तो उसका जो भी पूजा का सामान वगैरह है वो सब लेने के लिए फ्रूट्स ले आए सागर। अभी हम मिठाई माला ये सब लेने के लिए निकले हुए हैं। खाना वगैरह हो गया, पापा भी आए थे घर पे खाना खाने के लिए, तो उनके साथ भी मस्त बातें वगैरह करी, उसके बाद फिर वो खाना खा के और फिर वो वॉक करते हुए निकल गए, क्योंकि हमारे घर से उनका हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो एक चीज़ है। सो या आई एम सिटिंग इन द कार वाइल सागर इज़ गेटिंग द माला, फिर उसके बाद हम जाएंगे मिठाई लेने के लिए, उसके बाद भी 2-3 सामान और लेने हैं, तो वो सब लेके और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट इज़ द 13th of April और आज है सैटरडे, एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो एग्जैक्टली 7:55 AM हो रहा है। आई एम ऑल डॉल्ड अप इन द मॉर्निंग सो अर्ली इज़ बिकॉज कि वहाँ पुराने वाले घर पे पूजा है, तो आज मैं और सागर बैठे हैं तो मैं ऑलरेडी हूँ। सागर ऑलरेडी नीचे चले गए हैं, मैं बस अभी आप लोगों को अपडेट देने के लिए ऊपर रुकी थी, एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो डाउनस्टेयर्स। मेरा पहले था सूट पहनने का, बट मैंने साड़ी इसलिए पहन ली क्योंकि दिन में भी वहाँ पे जाना पड़ेगा और शाम को भी भंडारा है, तो एक ही साड़ी पूरे दिन में हो जाएगी, तो आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग साड़ी ऑल डे लॉन्ग टुडे। अभी तक का तो यही प्लान है, अगर फिर चेंज हुआ बीच में तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर आज शाम को जो मैंने क्रिकेट का बताया था उसके लिए भी जाना है, तो सागर इज प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, माई एंकल इज ऑल्सो डूइंग बेटर दैन बिफोर, बट आई एम नॉट प्लेइंग बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क। ही इज ओनली गोइंग टू बी प्लेइंग, आई एम जस्ट गोइंग टू बी द चेयर लीडर फॉर हिम, सो दैट इज गोइंग टू बी इट। तो हमें आज शाम को वहां पे भी जाना है, तो अभी पहले जाके माता जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में बात का देखेंगे। ऑल्सो लेट मी शो यू गाइस क्विकली व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस इज व्हाट इज द साड़ी दैट लुक्स लाइक। ये बहुत ही पुरानी साड़ी है, मतलब बहुत ही पुरानी, मतलब 2-3 साल हो गए इसको, जब से मेरी शादी हुई है तब से है ये, बिकॉज माई सिस्टर गिफ्टेड मी दिस इन द वेडिंग, तो ये मैंने पहनी है एंड क्योंकि मेहंदी भी लगी हुई है तो ये बहुत अच्छी भी लग रही है। सो दिस इज द फिट एंड नाउ लेट्स गो क्विकली एंड गेट द पूजा डन। सबसे ऊपर वाला तो ठीक है, बीच वाला जो है ना उसको थोड़ा सा ऊपर करो।
नहीं ये सबसे नीचे वाला है, नहीं इसके इससे एक और दिख रही होगी ना आपको, हाँ ये वाली, हाँ बस, हाँ Many, many minutes later. पूजा खत्म करके वी हैव कम इनटू द मार्केट, भूख लग रही थी तो हम एक्चुअली कुछ काम से आए थे, बट यहाँ पे हम कचौरी खाने आए हैं, जोधपुर की कचौरी, साइड में फ्रूट वाला है तो यहाँ से हम लोग जूसेस भी पियेंगे। हस्बैंड गिफ्टेड, थैंक यू, लव यू, लव यू। अ फ्यू आवर्स लेटर, तो शाम के 5:30 बज रहे हैं एंड दिस चेक इन इज आफ्टर मेनी आवर्स। सो बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग गए सुबह वहाँ पे पूजा करने के लिए, द स्निपेट्स ऑफ विच यू ऑलरेडी सॉ। उसके बाद में हम लोग 1 बजे तक घर पे वापस आ गए बिकॉज मुझे पता पड़ा कि वहाँ पे कोई आएगा नहीं और बड़े भी जितने आएंगे वो सब 2:30 बजे तक आएंगे। सो देन आई टोल्ड सागर कि इट्स बेटर दैट ही ड्रॉप मी ऑफ। सो वाइल ड्रॉपिंग ही ऑल्सो स्टेड बैक, यार मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। वो रेस्ट का तो रेस्ट हुआ नहीं, हो इतने फोन बजे 3 बजे तक कि थक हार के उनको जाने पड़ा कि यार नींद आएगी नहीं, अब सो गया तो फिर बिना काम बॉडी पेन होगा, सर दर्द होएगा, इसलिए मैं तो चला जाता हूँ, तुम सो जाओ आराम से। सो देन ही लेफ्ट एंड आई स्टेड एंड आई स्लेप्ट ऑफ। और फिर उसके बाद में 5 बजे अभी उन्हीं के कॉल से मैं उठी हूँ, ही सेड कि उठ जाओ, रेडी वगैरह हो जाओ, अपन क्रिकेट के लिए चलते हैं बिकॉज वहाँ भंडारे में अपना कोई काम है नहीं। एंड ऑनेस्टली हमारा कोई काम नहीं है, मतलब हम बच्चों का तो वैसे भी कोई काम नहीं है, जिसमें हम बहुओं का तो और एडिशनली कोई काम नहीं है वहाँ पे, तो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू स्ट्रेट अवे। रेडी तो क्या, बस चेंज वगैरह किया है मैंने, तो रेडी एज सच तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि इट्स गोइंग टू बी इन एन ओपन फील्ड एंड एवरीथिंग। इवन तो शाम का टाइम है, थोड़ा गर्मी तो है ही सही अब, तो इस वजह से आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो जस्ट टाई अप माई हेयर एंड आई एम गोइंग टू डू अ टच अप ऑफ द लिपस्टिक दैट आई अप्लाइड इन द मॉर्निंग। वो निकली नहीं है तो आई एम गोइंग टू डू द टच अप ऑफ द लिपस्टिक एंड देखती हूँ अगर काजल वगैरह थोड़ा सा मन हुआ तो लगा लूँगी, बिकॉज सुबह में क्या है वहाँ पे ना भट्टी चल रही थी जिसके ऊपर में उन्होंने कड़ाव रखे और सारी पुड़ियाँ तली हैं, तो भट्टी का धुआं इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो आंखों में सबके गया है, तो इसलिए वो आंखें थोड़ी सेंसिटिव हो रही हैं इस टाइम पे, तो आई विल सी कि काजल लगाना है कि नहीं लगाना है। So that is that and yeah, I'm just going to quickly get ready and then I'm going to leave for the cricket. Hello. अरे यार भागो भागो, बच गए इधर दादन के पास, बेहतरीन शॉट यहां पे, बहुत बढ़िया विकेट मिलते विकेट, और ये चौका जीत लिया मैच के बाकी सारे टीम, नेक्स्ट टीम बॉलिंग टीम, एक और बॉल और बहुत तेजी से भागती हुई फील्डर मौजूद फील्डर्स बॉल के साथ खेलते हुए, रात के 11 बज रहे हैं, एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम 11:10 हो रहा है एंड वी हैव कम बैक होम। मैच अभी भी चल रहा था बट क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया था रात में तो इसलिए वी केम बैक होम। कल वापस से है, फाइनल्स है कल, तो कल शाम को फिर हम लोग वापस जाएंगे, बट यस नाउ वी आर बैक होम, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज क्विकली
and then I'm going to sleep. So I will see you guys tomorrow. Day 3. It is the 14th of April, Sunday, and अभी सुबह के पौने 11 हो रहे हैं. खाने वाइज जो काम है वो वाला काम आधा कंप्लीट हो गया है. नाइस, आधा बिकॉज ओनली सब्जी इज रेडी. आटा लगा दिया है, रोटी अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी. आई वॉज ड्रिंकिंग माई कॉफी, सो आई टुक दैट कॉफी वाला ब्रेक. मैं लेती हूँ आधा पौने घंटे का अच्छा ब्रेक लेती हूँ मैं अपने आप के लिए बिटवीन द सब्जी एंड द रोटी. तो वो एक ब्रेक चल रहा है. सो आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट यू नो सिटिंग आइडल आई विल यूटिलाइज दिस ब्रेक. तो मैं अपने रूम से ऊपर से लैपटॉप ले आई नीचे, सो दैट आई कुड एडिट अ लिटिल बिट, एंड देन मैं फिर रोटी बना के फिर मैं वापस ऊपर जाके और एडिटिंग में लग जाऊँगी वापस से. तो दैट इज़ दैट. तो इसलिए सब्जी वाला जो काम है वो हो चुका है. और सब्जी में आज बने हैं राजमा. कल रात को मैंने गला दिए थे राजमा बिकॉज बहुत टाइम हो गया राजमा खाए हुए. सो आई रियली वॉन्टेड टू हैव इट, एंड वो एक चीज़ है. तो बस अभी पापा जस्ट अभी आए हैं, तो अभी बस थोड़ी देर में मैं रोटी वगैरह बना दूँगी उनके लिए, एंड देन मैं फ्री होकर फिर ऊपर जाऊँगी एंड आई विल सिट एंड कम्प्लीट विद द एडिटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉग जिसमें मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ. इसी ब्लॉग को मैं बैठ के बेसिकली एडिट कर रही हूँ इस टाइम पर. Later. So I along with Sagar we've come to our hostel in Kunhari. अभी सागर ऊपर छत पे गए हुए हैं पापा के साथ और मैं रूम में आई हूँ उनका टिफिन रखने के लिए. सो आई थॉट आई विल गिव यू गाइस एन अपडेट अबाउट इट. लेट मी ऑल्सो शो यू वॉट द रूम एग्जैक्टली लुक्स लाइक बिकॉज वाई नॉट. सो वेन यू एंटर दिस इज वॉट यू सी, अ सिंगल बेड दैट ऑल्सो हैज स्टोरेज इन साइड दिस. वी ऑल्सो गिव अ मिनी फ्रिज, देन देर इज अ चेयर, अ टेबल, एंड देन देर इज द शेल्फ एंड ऑल्सो अ पिन बोर्ड. वी ऑल्सो गिव अ सिंगल अलमीरा, एंड देन इट कम्स विद अ विंडो ए सी एंड अ विंडो, एंड देन there is washroom that has this bucket patia, then there is obviously geyser and mirror and everything. So this is what the room looks like. Later that night, 7:45 PM and we are now leaving for the cricket. आज semi-finals and finals हैं basically. तो हम आज तो थोड़ा शायद से late हो जाएंगे. Let's see. But yes, now we are leaving from home for the cricket. नहीं, वैसे भी इसमें कोई rule नहीं है. आगे crease के आगे खेल सकते हो आप. Bowling नहीं कर सकते crease से. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. एक और बस बस बस. क्या बात, रात के 12:30 हो रहे हैं एंड वी हैव जस्ट कम बैक होम. बहुत इंटरेस्टिंग मैच थे, बहुत मज़े आए, बहुत ज़्यादा, और जिसमें कल से ज़्यादा तो आज मज़े मारे हैं. मैं जाके लिटरली फील्ड में बैठ गई थी कमेंटेटर के पास में ही, और कमेंटेटिंग जो है एक फ्रेंड कर रहे थे तो मैं उनके जाके पास में बैठ गई थी और इतने मज़े आए ना, बहुत ज़्यादा मज़े आए आज तो. मतलब कल से ज़्यादा मज़े. एनीवे फाइनल्स वाले दिन तो वैसे भी स्पोर्ट्स में ना मज़े आते, तो आज काफ़ी मज़े मारे हैं हम लोगों ने सब ने, और बहुत ज़्यादा मस्ती करी. एंड बस उसके बाद फिर अभी हम लोग अभी वहाँ पे चल ही रहा था, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, 12:30 हो रहे हैं. तो देन वी केम बैक होम और अभी बस हम लोग सोएंगे. आई एम एंडिंग माई व्लॉग राइट हियर. सो इफ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ यू एंजॉयड वॉचिंग. आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज. शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड इफ यू एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल येट, प्लीज डू दैट. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be mentioned in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then,
बाय।